musician down, down. Down, 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 down. J-U-N musician down, down. Down, down. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. गुंडागर्दी नहीं चलेगी. पर बड़े शर्म की बात है कि कंट्रोलर एग्जामिनेशन और वीसी बोलता है कि भैया हम अपने हिसाब से पेपर लेंगे. सर आपको बताना चाहूंगा, भगत सिंह ने एक बात बोली थी कि अगर हमारा देश आजाद हो जाएगा तो फिर हमें काले अंग्रेजों से खतरा है. ये हमारा वाइस चांसलर वही काला अंग्रेज है. हमारी डीएससी लॉ डिपार्टमेंट की अपने डिपार्टमेंट में एक रेजोल्यूशन पास करती है कि बच्चों के एग्जाम ऐसे होंगे, पर ये वाइस चांसलर उसे रिजेक्ट कर देता है, जैसे अंग्रेज रिजेक्ट कर देते थे जब हमारे लोग विधानसभा में कोई बिल पास करते थे. अंग्रेज रिजेक्ट करते थे क्योंकि वो हमारे फेवर की बात होती थी, वैसे वाइस चांसलर हमें रिजेक्ट करता. मतलब वाइस चांसलर चाहता क्या है? हमारे पेपर हमने देने हैं, हमने पढ़ाई की है डिपार्टमेंट हमारा. वी आर द फर्स्ट स्टेक होल्डर्स ऑफ द जम्मू यूनिवर्सिटी. पर ये कौन होता है हमारा फैसला लेने वाला? ये हमारा टीचर नहीं है, ये हमें पढ़ा नहीं रहा. हमारा 6 महीने का सेमेस्टर 2 महीने में खत्म हुआ है. हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने हमें लिखित में आश्वासन दिया है सभी प्रोफेसरान के सिग्नेचर के साथ नीचे कि आपकी छुट्टियों के बाद 5 दिन के अंदर आपकी डेट शीट आएगी और इस तरह से आपके एग्जामिनेशन लिए जाएंगे, आप तैयारी कीजिए. आज छुट्टियां खुलती हैं, हम आते हैं, हमें वाइस चांसलर का तुगलकी फरमान आ जाता है कि आपके पेपर फुल सिलेबस होते हैं. और भाई तुम्हें पता क्या है? तुम्हें लॉ डिपार्टमेंट का LAW पता भी है कुछ? हमें कितना पढ़ाया गया है कितना नहीं? जानबूझकर बड़ी शर्मनाक बात है कि कल जम्मू यूनिवर्सिटी में पुलिस की गुंडागर्दी दिखती है. एक लड़की पर जो यहाँ, वो कोई टेररिस्ट है? हम आतंकवादी लोग हैं. हम क्या वाइस चांसलर घर आप करके उसको सूली में लटका देंगे या उसके गाड़ी में आरडीएक्स रख देंगे? फट जाएगा, मर जाएगा वो. कुछ नहीं करना बच्चों ने. बच्चे घेराव करते हैं, उसको हाथ तक नहीं लगाते हैं क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट. आर्टिकल 19 हमें बोलता है कि बोल सकते हो, खुल के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. पर काहे की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? बच्चों को लिखित में लड़की पर मेल कांस्टेबल जो है हमला कर रहे हैं. वह यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर अगर बच्चे सेफ नहीं है तो बाहर जनता क्या सेफ होगी? कोई सेफ नहीं है. मैं चाहता हूँ जल्द अज जल्द ये वाइस चांसलर जो है इसे कुर्सी से हटाया जाए. ये हमें नहीं चाहिए. हमारे मनोज दर पुराने वाइस चांसलर लाख गुना अच्छे थे. बच्चे अगर गेट पे बैठते थे वे खुद आते थे, बात करते थे, मसला हल करवाते थे. ये एरोगेंसी किसको दिखा रहा है? जय जाके दिल्ली बनारस बिहार में जाके दिखाए. यह एरोगेंसी हम नहीं देखेंगे. जय निकाल दे हमें, डाल दे हम पर केस. जज जब पूछेगा ना कि क्या हुआ तो हम बताएंगे कि ये वाइस चांसलर हमारे साथ ये हरकतें करता है. नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. कोई से पूछे हमारी डिमांड क्या है? हम तुमसे पैसे नहीं मांग रहे, स्कॉलरशिपें नहीं मांग रहे, अपनी तनख्वाह हमारे अकाउंट में डालो वो भी नहीं मांग रहे. अरे हमें जितना पढ़ाया गया है, जितना हमारा डिपार्टमेंट प्रोफेसरान हेड हमारा लिख के दे रहा है, जो सदियों से लिख के देता है, उस तरह से पेपर होते हैं. हम चाहते हैं आप उस तरह से पेपर लो. इतनी ड्रामेबाजी किस चीज़ की है? मतलब क्या हमने वाइस चांसलर की पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई अपनी गर्दौरी उसके अपने नाम करा लिया? उसकी वाइस चांसलर की रजिस्ट्री कोई प्लॉट की अपने नाम करा लिया जो हमसे पर्सनल दुश्मनी ले रहा है लॉ डिपार्टमेंट से? वो हम चाहते हैं जल्द अज जल्द, अगर ये मसला हमारा हल नहीं हुआ तो एक आधा बच्चा यहाँ पर मरेगा, उसके बाद इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर आएंगे.